तो अगर वो ओबीसी की जनगणना नहीं कराना चाहती तो इससे बेहतर है कि ओबीसी को मांग करनी चाहिए तो ब्राह्मणों की सिर्फ इस देश के अंदर जनसंख्या कितनी है इसको आप बता दें और ब्राह्मणों की जनगणना करा दें, ब्राह्मण जाति की, और वो कितने संसाधनों पर काबू है इसका बता दें। नहीं बिल्कुल, अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ब्राह्मण की अगर वो करा दिया जाएगी, सेंसस करा दिया जाए, उनकी अगर जाति बताई जाएगी कि कितने जाति के ब्राह्मण, कितने लोग रहते हैं ब्राह्मण जाति के लोग, तो मतलब 1-2% लोग हैं मात्र, और संसाधन 90% संसाधन पर उनका कब्जा है, तो पता लग जाएगा। बिल्कुल वो नहीं कराना चाहते ना, वो जो दबा हुआ है उसको पब्लिक के सामने नहीं लेके आना चाहते, जो सदियों से दबा रखा है उन्होंने, यही तो उनकी कला है बहुत अच्छी। मोदी जय भीम नमोबुद्धा। दोस्तों मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज हम हैं कड़कड़डूमा कोर्ट में, और कड़कड़डूमा कोर्ट में जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं सुजीत सम्राट साहब और नीली क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पास हम आए हैं। और सवाल हमारा वही है कि 2021 में जो जनगणना होनी थी, जो 2022 में होने वाली है, वो जातिगत जनगणना जो है ओबीसी की जनगणना खासतौर से, सरकार एससी एसटी की तो जनगणना कराना चाहती है लेकिन जो ओबीसी की जनगणना है, बैकवर्ड कास्ट की जो जनगणना है, उससे सरकार जो भाग रही है। ओबीसी के तमाम नेता सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जातिगत जनगणना जो है वो होनी चाहिए, होनी इसलिए भी चाहिए ताकि ये पता चले कि आज़ाद मुल्क में कौन किसका हक मार रहा, यानी बहुसंख्यक समाज की हक मारी कौन कर रहा। तो यही एक सवाल है और सुजीत भाई से करेंगे, सुजीत भाई बताएंगे कि इसका सरकार इससे क्यों भाग रही है। जी राहुल जी, आपको समझना होगा कि सरकार क्यों भाग रही है इससे। आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, जब 1979 में मंडल कमीशन बना और उसका रिकमेंड किया तो काफ़ी दिन तक डिले किया गया उसको, और 1990 में जाकर उसको लागू किया गया और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया। तो उसका जो सेंसस लिया गया था वो 1931 का सेंसस लिया गया था, 1931 में 52% लोग थे ओबीसी समाज के। अब जब 2011 में सेंसस हुआ है तो उसमें लगभग 1,00,000 ऐसी जातियां हैं, पंथ हैं, धर्म हैं या टाइटल्स हैं जो लोग इस देश में लगाते हैं। अगर ओबीसी का सेंसस अगर हो जाएगा तो इस देश के अंदर पता लग जाएगी कि ओबीसी की कितनी ताकत है। तो जो सरकारें अब ओबीसी को अपने पास बुलाकर अपनी सरकारें बनाती हैं तो इस देश के अंदर एक जाति जनगणना होनी चाहिए। आपको पता होगा कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट देने के बाद में 27% उनको रिजर्वेशन दिया गया, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले ही चाहते थे कि जो ओबीसी है उसको रिजर्वेशन मिले, मगर कुछ लोगों ने ओबीसी समाज को बहका दिया कि आपको एससी एसटी बना देंगे, और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया कि आपको ये बना देंगे वो बना देंगे। यहाँ तक कि जब मंडल कमीशन के लिए आंदोलन कर रहे थे माननीय काशीराम साहब, तो उस समय भी जो ओबीसी के जो लोग थे उनको जनरल के लोग कहा करते थे कि आप तो एक जाति सूचक शब्द कह के करते कि आपको ये बना देंगे, क्योंकि वो रिजर्वेशन नहीं देना चाहते थे। मगर आंदोलन हुए, आंदोलन के बाद 27% रिजर्वेशन मिला, और 27% रिजर्वेशन होने के बाद में, एससी एसटी का रिजर्वेशन होने के बाद में इंदिरा साहनी का केस आया सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने 49.5 मतलब 49% पे कैप लगा दिया कि 49% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। लेकिन अभी देखा होगा आपने, बीजेपी सरकार ने 2019 के अंदर 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी को दिया, जो बीकर सेक्शन को दिया, तो अब तो 59% हो गया रिजर्वेशन हो गया देना पड़ेगा। तो अब अगर ये ओबीसी की जनगणना को अगर ये कर लेंगे, जातिवार जनगणना अगर इस देश में आ जाएगी, तो जो ओबीसी है वो इस देश में अगर एक लगा जाए तो लगभग 70% इसमें ओबीसी है, लगभग 70% 60-70% के बीच में ओबीसी की जनगणना मानी जाएगी। ये नहीं करना चाहते क्योंकि जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो मात्र 15% है, 15% से भी कम इस देश के अंदर रहते हैं। इस देश के अंदर 85% लोग एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं, और जनगणना अगर कर ली इन्होंने जो 2021 में होनी थी, और पूरे देश के लोग जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। अगर जनगणना हो जाती है तो जो आंकड़े हैं, सच्चे आंकड़े हैं, वो पता लग जाएगा कि इस देश में ओबीसी की तादाद कितनी है और उनको कितना रिजर्वेशन मिल रहा है। और रिजर्वेशन 27% है, 27% भी पूर्ण रूप से रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा, मगर ओबीसी आंदोलन नहीं करता कभी भी, ओबीसी सड़कों पर कभी नहीं आता है, ओबीसी जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के प्रति। जब वो देखते हैं दूसरे लोगों को, उसके बाद कुछ सरकारें बनी है ओबीसी की, जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ओबीसी के नेता हैं, बिहार में ओबीसी के नेता हैं तेजस्वी और लालू प्रसाद जी,
और बहुत सारे ओबीसी के नेता आ रहे हैं, एससी एसटी के नेता, मिलकर जब उनको जागरूक करने का काम करते हैं तो उनको लगता है कि हमारे अधिकारों को तो मारा जा रहा है। रिजर्वेशन तो एक ऐसा बना दिया है, जैसे ऐसा शब्द बना दिया है जैसे उस शब्द को आप कहेंगे तो आप बहुत छोटे बन जाएंगे, जबकि रिजर्वेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है। रिजर्वेशन क्या है कि रिजर्वेशन हमारा एक रिप्रेजेंटेशन का मामला है। बाबा साहब इस बात को जानते थे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एससी एसटी से पहले ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की प्रावधान किया, आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 अगर नहीं होता तो कभी भी मंडल कमीशन नहीं बनता, क्योंकि आर्टिकल 340 कहता है कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज। अगर 340 आर्टिकल नहीं होता तो कभी भी जो प्रेसिडेंट हैं वो मंडल कमीशन नहीं बना पाते, और मंडल कमीशन नहीं बनता तो इनकी उनकी स्थिति नहीं हो पाती। तो हम लोग तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग आंदोलन करें इस बात पर, और हमारे साथी आंदोलन भी इस पर करना चाहते हैं कि ओबीसी की जाति जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि रियल पता लगे कि रियल में है क्या। आपने कहा कि रियल में है क्या, लेकिन सरकार कराना क्यों नहीं चाहिए, सरकार भाग क्यों रही है इससे? सरकार इसलिए भाग रही है कि अगर ओबीसी की जनसंख्या पता लग जाएगी तो ओबीसी के लोग अपनी जनसंख्या के आधार पर, अपने जातिगत आधार पर वो उनसे अधिकार मांगेंगे, और दूसरा वो सरकार में अपनी सरकार बनाने के लिए वो तैयार हो जाएंगे देश के अंदर। तो अगर किसी को ये पता लग जाता है कि देश में हम तो 9 में 90 हैं भैया, 100 में 90 हैं, तो फिर वो लोग अपनी सरकार नहीं बनाएंगे क्या? जो 15% लोग हैं, 3% लोग हैं जिनमें ब्राह्मण 3% है, वो अपनी सरकार में बैठे हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, सत्ता में वही लोग रहते हैं, क्योंकि ओबीसी को हिंदुत्व के नाम पर वो बहकाना चाहते हैं और कहते हैं कि आप हिंदू हो, हिंदुओं के नाम पर वो ओबीसी के माध्यम से अपनी सरकार बनाते हैं। जब ओबीसी को पता लगा है कि हम इस देश के अंदर जनसंख्या में बहुत ज़्यादा हैं, और एससी एसटी और माइनॉरिटीज अगर मिल जाएंगे तो फिर ओबीसी एससी के साथ मिलकर सरकार बना लेगा, तो इसलिए वो नहीं करना चाहते। और उसकी दलील कहते हैं कि देश में जाति अगर हम बताएंगे तो लड़ाई होगी, नफरत फैलेगी। जब तुम जाति के नाम पर 10% रिजर्वेशन देते हो 2019 में और आपको सेकंडों में उस रिजर्वेशन को पास कर देते हो, तो जब तक कोई नफरत फैलती नहीं जाति के नाम पर। इस देश में जाति है, जो जाति कभी नहीं जाती है, जाति के नाम पर सब कुछ हो रहा है। हमारे जो लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, या हमारे लोग जो गांव में रहते हैं, वो जाति के नाम पर प्रताड़ित होते हैं। आज भी आपने देखा होगा जाति के नाम पर सब कुछ होते हैं, आप बाद में जाते हो जाति पहले चली जाती है, सब लोग जाति पूछते हैं, इंटरव्यू में आपको जाति पूछी जाती है, यहाँ तक कि जिस ऑफिस में काम करते हो उसमें जाति पूछी जाती है, और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि कई पत्रकार लोग हैं, उनके ऑफिस हैं, उनमें एक ही जाति के लोग हैं, एक ही जाति के पत्रकार हैं, एक ही जाति के मिनिस्टर हैं, एक ही जाति के सब लोग हैं। फिर ये जाति नहीं तो क्या नहीं है, बताइए। तो इस देश में जाति है, और जाति को ख़त्म करने का लोग सोचते हैं, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा, मानव काशीराम साहब ने तो जाति को जोड़ना सोचा, तो मैं भी चाहता हूँ कि जातियों को तो ख़त्म करना बहुत इस देश के अंदर टिपिकल है, क्योंकि जाति को तोड़ ख़त्म करने वाले लोग इस देश में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जातियों से लोगों को फ़ायदा होता है, रेस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि जो हायरार्की बना रखी है हिंदू धर्म में, अगर जाति नहीं होंगी तो फिर हिंदू धर्म का जो जितना भी है षड्यंत्र वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जाति बनी हुई है तो हिंदू धर्म में कुछ लोगों को फ़ायदा होता है। हम चाहते हैं कि जातियों को जोड़ा जाए, जो ओबीसी है, जो पिछड़ा समाज है, वो पिछड़ा नहीं है, बिछड़ा हुआ समाज है हम लोगों से, तो इसलिए बहुजन समाज में उनको जोड़ा जाए, और बहुजन समाज में जोड़कर जब उनको पता लग जाएगी हमारी तादाद इतनी है तो वो अपनी सरकार बना देते, इसलिए सरकार डरती है उनसे कि अगर ये सरकार ना बना लें अपनी। आपने कहा कि सरकार ना बना लें और सरकार जो है इसलिए जातिगत जनगणना से बच रही है, तो अगर वो ओबीसी की जनगणना नहीं कराना चाहती तो इससे बेहतर है कि ओबीसी को मांग करनी चाहिए तो ब्राह्मणों की सिर्फ इस देश के अंदर जनसंख्या कितनी है इसको आप बता दें, और ब्राह्मणों की जनगणना करा दें, ब्राह्मण जाति की, और वो कितने संसाधनों पर काबू चाहिए इसका बता दें। नहीं बिल्कुल, अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ब्राह्मण की अगर वो करा दिया जाएगी, सेंसस करा दिया जाए, उनकी अगर जाति बताई जाएगी कि कितने जाति के ब्राह्मण, कितने लोग रहते हैं ब्राह्मण जाति के लोग, तो मतलब 1-2% लोग हैं मात्र, और संसाधन 90% संसाधन पर उनका कब्जा है, तो पता लग जाएगा बिल्कुल। वो नहीं कराना चाहते ना, वो जो दबा हुआ है उसको पब्लिक के सामने नहीं लेके आना चाहते, जो सदियों से दबा रखा है उन्होंने, यही तो उनकी कला है बहुत अच्छी, मोदी सरकार की, योगी सरकार की, आरएसएस की, यही तो कला है कि जिसको जितना चाहिए, जिसकी भागीदारी थी वो उसको नहीं दे रहे हैं, हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। अगर सब लोगों को पता लग जाएगा, अभी तो आधे लोगों को यही नहीं पता कि भैया हमारी जनसंख्या कितनी है, हमारे कितने लोग रहते हैं, कितनी ताकत है, जैसे एससी एसटी को नहीं पता कि हमारी कितनी ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है, उनके बहुत सारे कानून उनके लिए उनको नहीं पता है, क्योंकि पहले तो वो एजुकेशन को ख़त्म कर रहे हैं। एजुकेशन अगर होगी तो आपको एक अपने अधिकारों को मांगने की एक जज्बा आएगा, आपको नॉलेज आएगी, तो एजुकेशन ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी बात है, अगर आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैं तो इससे ताकतवर में हूँ, ये तो 1-2% लोग ही हैं और हम तो 60% लोग हैं, और फिर साथ में अगर एससी एसटी और माइनॉरिटी मिल जाए तो 90% लोग हो जाते हैं, तो 90% लोग देश में अगर अपनी सरकार नहीं बनाएंगे तो कौन नहीं बनाएगा।
तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, और आप जब हमारी नहीं बताना चाहें तो अपनी कैसे बताएंगे, क्योंकि तुम तो बहुत कम तादाद में हो, मात्र इतनी तादाद में हो कि इस देश में 1-2% आप ब्राह्मण समाज का लोग हैं और 99% संसाधन पर कब्जा है उन लोगों का। तो ये आना चाहिए, आज नहीं तो कल होगा। ओबीसी समाज जागरूक हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, नौजवान जागरूक हो रहे हैं। इस जागरूकता को घर घर में पहुंचाने का काम हम जैसे लोग एक्टिविस्ट कर रहे हैं।